सो भाई लोग कैसे आप सभी लोग तारा में कौन नीड और आज हम फिर से खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 22। अब जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने इसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवाया था ओडीआई, बट आज हम वही वाला मैच करवाने वाले हैं T20 में। तो देखने वाले इसमें क्या होने वाला है, तो मैं इसको T20 में सिलेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे अपना सिलेक्ट हो चुका है, अब चलते आगे की तरफ और देखते हैं कि वहां पे अपने को क्या कुछ करने को मिलता है। जहां से अपने डिफिकल्टीज पूछ रहा था तो मैंने इसको इजी पे कर दिया है, ओवर मैंने 2 कर दिए, यहां पे आफ्टरनून कर दिया और कैच और फील्डिंग मैंने ऑटो कर दी है। तो ये सब मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहां पे अपने पास कौन कौन से प्लेयर है, जितने भी इंडिया टीम में अपने प्लेयर है सारे यहां पे अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। ये कुछ पाकिस्तान के प्लेयर दिखा रहा था, इससे अपने को कोई भी मतलब नहीं, अपने को तो इंडिया टीम के प्लेयर से मतलब है। तो चलो चलते हैं गेम में। अभी आपको ये वाले गेम में हिंदी कमेंट्री भी सुनने को मिल जाती है, बट जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रखी है उसकी आवाज़, वरना आपको मेरी आवाज़ नहीं जाती। तो यहाँ पर अपना टॉस होने वाला है। तो ये मुझे ये नहीं समझ आता कि यार ये हर बार पाकिस्तान वाले टीम वाले बंदे को ही क्यों देता है टॉस उछालने के लिए, अपने को क्यों नहीं देता है, अपने को भी देना चाहिए। मैंने यहाँ पे हेड सिलेक्ट करा है, अब देखते कौन विन होगा। तो शायद ये वाला बंदा यहाँ पे टॉस विन हो चुका है और इसने यहाँ पे बॉल फर्स्ट ली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है यार, क्योंकि अपने को बैटिंग ही फर्स्ट लेनी थी। अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं बैटिंग ही फर्स्ट लेता। तो ये कुछ यहाँ पे पिच वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे एंथम वगैरह, और इसको मैं स्क्विप कर देने वाला हूँ। यहाँ पे अपन सीधे चलते हैं गेम की तरफ, मैच की तरफ चलते हैं सीधा। यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम आ रही है अपने दो बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल। देखते कि ये क्या कुछ कर पाएंगे, कितनी बाउंड्री वगैरह मार पाएंगे। लास्ट टाइम मैंने खेला था उतने अच्छे से मुझे खेलना नहीं आता था, बट अभी मुझे उतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेलना नहीं आता है, बट हाँ मैं पहले से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ, तो शायद अब मैं अच्छा खेल पाऊंगा। तो चलो देखते क्या होता है। ये फर्स्ट वाली बॉल आने वाली है, सिर्फ 2 ओवर का अपन ने छोटा सा गेम लगाया है, तो देखते इसमें क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट बॉल आ रही है इसकी, जो कि भाई बिल्कुल ही कोने में जाएगी और मैं मारूंगा। अरे यार मिस हो गई। हर बार मेरे साथ यही होता है ना भाई, जो बॉलर है उसका नाम यहाँ पे शाहिद अफरीदी है, तो मुझे इसको फोड़ना तो है तबीयत से, बट भाई कैसे मारूँ देख रहे हो ना, अब मिस हो गई वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। चलो इस बार मैं यहाँ पे फ्रंट फुट मारूंगा, और जो कि 6 रन के लिए गया भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से गया। देखो तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाली बॉल पे छक्का मार दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है यार कि मैं आते ही शुरू हो चुका हूँ। अब फर्स्ट वाली बॉल तो अपने से यहाँ पे मिस हो गई थी, बट अच्छी बात है कि सेकंड वाली पे 6 लगा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 25 रन बनाए थे, तो इस बार भी मैं अगर 25 और 30 रन के आसपास बना देता हूँ, शायद मैं ये वाले मैच को विन हो जाऊँगा। बट उतने रन तो कम से कम मुझे चाहिए ही होंगे, क्योंकि अपनी बॉलिंग भी तो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर मैंने लगातार दूसरा छक्का मार दिया, देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपना गेम चल रहा है यार। मैंने फर्स्ट भी 6 मारा है, यहाँ पे सेकंड भी 6 मारा है, यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 छक्के लगातार, एक और मार दूंगा तो यहाँ पे हैट्रिक हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। तो चलो ठीक है, फेंक भाई फेंक। अब के देखो यहाँ पे कमेंट्री वाले भी भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं मैच का, मज़ा तो आएगा ही ना भाई, अगर 6 पे 6 लगते तो मज़ा तो आता है भाई। ये फोर्थ वाली बॉल की चल फेंकते सामने से, फिर से मुझे लग रहा है कुछ बढ़िया ही जाना चाहिए। चलो ये मैंने मारा, और इस बार क्या जाएगा भाई, रन दौड़ लेता हूँ जल्दी से मैं यहाँ पे, बॉल पकड़ लगा के पकड़ लिया, कोई बात नहीं, एक रन अपना यहाँ पे आया है। बट ठीक है भाई, 2 छक्के और इसका सिंगल लेके अपने काम चला लिया अपना। अब बारी है यहाँ पे रोहित शर्मा की, यहाँ पे अभी तक केएल राहुल ने मारा जितना भी मारा, अभी रोहित शर्मा की बारी है, और ये जा रही है बॉल 5th वाली ओवर की। यहाँ पे 2 बॉल और बची है, तो देखते इसमें क्या कुछ अपना लग पाएगा, कुछ अच्छे से शॉट और लग जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। देखो अरे शिट भाई, ये वाली भी मिस हो गई है यहाँ पे। ओ भाई ये क्या कर रहा, देखो कैसे बता रहा था अपने को कि आपको दिखी नहीं बॉल भाई, फेंक तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और तेज़ रहा है ये बॉल, तो मेरे को लिए मारने तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं भाई, फिर भी जाएगा एक ना एक तो जाएगा। देखो गया, ये क्या कैच ना पकड़ ले भाई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और रन आ गया, एक ही रन ठीक है यार, मतलब आउट होने से तो अच्छा है ना कि एक ही एक रन अपन बना ले। तो ये वाला अपना ओवर हो चुका है कंप्लीट। अब बारी है यहाँ पे नेक्स्ट वाले ओवर की, यहाँ पे आपको बॉल वगैरह दिखा रहे हैं कैसे कैसे इसने फेंकी है। स्टंप पे तो इसने एक भी बॉल नहीं डाली मुझे लगता है, देखो सब बॉल इसने बाहर ही करी, स्टंप पे एक भी नहीं करी है, काफ़ी ज़्यादा डर है ना इसको, पता है स्टंप पे आएगी तो सीधा मैं उड़ा दूंगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे कोई एच रॉफ नाम का बॉलर आ चुका है, तो चलो देखते इसको अपन कैसे फोड़ने वाले हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक ओवर में 14 रन बनाए हैं, अभी बारी है भाई दूसरे वाले ओवर की। तो यहाँ पे चलो जल्दी से घुमाता हूँ मैं बैट, कुछ तो जाओ भाई, मुंह पे फेंक दिया यार इसने, फर्स्ट बाउंस दे भाई, एम्पायर कितनी ज़्यादा बाउंस थी वो भाई, एम्पायर ने फर्स्ट बाउंस भी नहीं दिया, आपने देखा ना बिल्कुल मेरे मुंह पे जाके लगी थी वो बॉल, बट पता नहीं भाई एम्पायर भी चीटिंग कर रहा है, इतनी ऊपर मैं बल्ला घुमाऊँ तो घुमाऊँ कैसे यार, मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा वाला शॉट मैं मार सकता हूँ। वैसे ये बल्ला मैंने घुमाया तो भाई कितनी ज़्यादा दूर चली गई, 2 बॉल इसने लगातार मुझे खाली निकाल दी है यार, काफ़ी ज़्यादा स्टंप से ये दूर फेंक रहा है, मुझे लगता है वाइट भी जा सकती है, बट भाई वो वाइट नहीं राइट होती है, और जो कि मेरे से लगती नहीं, जैसे बिल्कुल ही अंदर आएगी इस पर पक्का मारूंगा। अरे यार क्या हो गया ये भाई, अच्छा हुआ कैच नहीं उठाया यार, बना हुआ कैच पकड़ लेता भाई, काफ़ी ज़्यादा ख़राब तरीके से गेम चल रहा है यार, 3 बॉल लगातार इसने खाली निकाल दी, कहाँ मेरा प्लान था कि भाई मैं बाउंड्री मारूंगा, बट भाई एक के बाद ये खाली बॉल निकाल रहा है, तो बॉलर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट अब मारना है मुझे कुछ करके, अलग जा ओके ये वाला 6 जाएगा शायद, चले जा 6 रन भाई। देखो आप
मैंने बोला था ना इस बार तो लगता है मुझे मारना ही पड़ेगा, और मैंने बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे बल्ला घुमा दिया था, तो 6 रन में जा चुका ये वाली बॉल पे। अब यहाँ पे 2 बॉल और बचती है, तो देखते 2 बॉल पे क्या कुछ जाएगा। अभी अपने 20 रन हो चुके हैं, काफ़ी ठीक ठाक मैंने स्कोर बना लिया है। अगर एक आध बाउंड्री भी चली जाती है तो बहुत तगड़ा सा मेरा एक स्कोर हो जाएगा और मैं काफ़ी आसानी से उसको डिफीट कर पाऊंगा। अरे यार इसने कहाँ पेट पे मार रहा है भाई, बॉल कितना ज़्यादा खराब बॉलर है ना ये भाई, थोड़ा आराम से फेंक ले यार, पता नहीं कैसे कैसे फेंक रहा है, कभी पेट पे लग रही है कभी मुंह पे लग रही है भाई। ये मतलब स्टंप को नहीं मार रहा है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है कि भाई बल्लेबाजी घायल हो जाएगा तो वो क्या ही मार पाएगा शॉट। अरे भाई इस बार भी इसने वही किया। तो यहाँ पे सारे ही ओवर खत्म हो चुके हैं, अपने 20 रन बना तो इनको 21 रन चाहिए यहाँ पे 2 ओवर, मतलब 12 बॉल पे 21 रन। तो वैसे ये जीत भी सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, जीत भी सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया टीम आ रही है बॉलिंग के लिए, और ये दोनों बाबर आजम और एक और भाई पता नहीं क्या रिजवान नाम का बंदा था, तो वो आ रहे हैं यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। तो चलो फेंकते हैं बॉल अपना जसप्रीत बुमराह की, आप बॉलिंग देखो भाई, इनको बुमराह दूंगा मैं बिल्कुल, विकेट तो मुझे काफ़ी सारे चाहिए और यहाँ पे बॉलिंग करने का ऑप्शन अपने पास आ चुका है। तो चलो मैं यहाँ पे ओके पे टैप करता हूँ जल्दी से और देखते हैं क्या जाने वाला है। वैसे यार मुझे काफ़ी ज़्यादा कम रन है मेरे, 21 रन है, तो मुझे डिफीट करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए भाई। ये फर्स्ट ही इसने बाउंड्री मार दी क्या, 4 रन भाई, पहली बॉल पे इसने चौका मार दिया। मैंने तो पहली वाली बॉल पे कुछ नहीं मारा था, सेकंड बॉल में मैंने लगातार 2 छक्के मारे थे, बट इसने आप पहली वाली बॉल पे ही चौका मार के मुझे थोड़ा, मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया इसने यार। अब मैं कहाँ बॉल डालूँ मैं वो सोच रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़ी सी पीछे की तरफ ही रखता हूँ, बट चलो देखते क्या होता है। मैंने आगे की तरफ रखी यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैंने स्टंप को छोड़ दिया है, स्टंप की तरफ मैं नहीं डाल रहा हूँ, स्टंप से थोड़ा सा दूर डाल रहा हूँ, साथ काम बन जाए अपना, छोड़ दे। अरे यार इसने यहाँ पे कट मारी, 1 रन और आ गया, 1-1 रन करके भी भाई ये जीत सकते हैं, इनको एक ही एक बाउंड्री तो मारनी, 1-1 रन करके बनाएंगे, और एकदम से इन्होंने एक भी बाउंड्री मार दी ना, मुझे कुछ भी करके यहाँ पे आप बोल सकते हो डॉट बॉल डालनी है यहाँ पे, जैसे कि ये मार ना पाए भाई, खाली निकालनी है, बट खाली निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यार। ये एक ना एक बल्ला तो घुमा ही देते हैं, और पता नहीं यार ये शायद मुझसे अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी इतने अच्छे से सीखा भी नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेलते। स्टम्प गया भाई, गया भाई इसका, स्टम्प ही उखाड़ दिया मैंने। लो और बोलो भाई, जसप्रीत बुमराह ने बूम बूम बुमराह कर दिया इसको, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसका बिल्कुल ही गिल्ली उखाड़ दी बाबर आजम की। 0 रन पे जा रहा है, 1 बॉल खेल के 0 रन बना के जा रहा है, नू भाई कुछ भी नहीं आता इसको, देखो कैसा स्टंप उखाड़ा इसका, ये देखो बुमराह ने तो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसको मारा था। यहाँ पे दूसरा कोई बैट्समैन आ गया, एफ फैजमैन नाम है इसका, तो देखते हैं यह क्या कुछ कर पाएगा। यहाँ पे लेफ्टी है भाई, लेफ्ट हैंड से खेल रहा है ये, तो चलो देखते हैं इसका क्या हो पाएगा यहाँ पे, ये मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। यार मैंने शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये शायद से 9 बॉल होने वाली है, और भाई इसने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बल्ला घुमा दिया जो कि चौका जा रहा है भाई, चौका चला गया यहाँ पे, 9 बॉल हो गई यार। मैंने, मेरे को जो पता है 9 बॉल हो जाएगी, अभी देखना है, देगा ये देखो फ्री हिट भाई, काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा है मुझे इस वाली बात से, क्योंकि यार मैंने मतलब थोड़ी सी आगे से बॉल फेंकी थी, मैंने फेंकी थी ना उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कर दी थी, इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि पक्का 9 बॉल जाने वाले, जो कि चली भी गई है यहाँ पर, चौका अलग मार दिया उसने। तो चलो देखते हैं भाई इस बार यहाँ पे क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी करके ये वाली को डॉट निकालना है, ये छक्का मारने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको तो फ्री हिट मिली, अगर कैच भी हो गया तो ये आउट तो होगा नहीं, बट पता नहीं भाई क्या होने वाला है, मुझे खाली निकालनी है। मार तो दिया भाई इसने काफ़ी ज़्यादा जोर से घुमाया, बट अपने एक फील्डर ने यहाँ पे पकड़ लिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से, चलो कोई बात नहीं, बाउंड्री तो इसने रोक ली। ये बात तो है कि भाई इसने बंदे ने कैच पकड़ लिया, अगर फ्री हिट नहीं होती तो ये बंदा अभी का यहीं पे यहीं इसका काम तमाम हो जाता, आउट हो जाता ये, बट भाई क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे फ्री हिट थी। तो चलो देखते इस वाली बॉल पे क्या होता है, ये वाली के लिए भी मैं तैयार हो चुका हूँ यहाँ पे। अब ये जा रही है 5th वाली बॉल, इसके बाद 2 बॉल और बचेगी, आउट हो जा, ओके आउट हो चुका है, अभी LBW हो गया इसका, हुआ एम्पायर। हेलो एम्पायर भाई, एम्पायर तो साइलेंट खड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। एम्पायर भाई काफ़ी ज़्यादा सलाख है यार, उसको पता चल जाता है यहाँ पे। तो इन्होंने अभी यहाँ पे 11 रन बनाए हैं, और ये अपनी जा रही है ओवर की लास्ट। चलो इसने इसने यहाँ पे प्लेट कर दिया जो कि 0 रन के लिए, अब इनको यहाँ पे चाहिए 6 बॉलों में 9 रन, तो पता नहीं ये बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, अभी फाइनल वाले ओवर की बारी है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के फेंकना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रविंद्र जडेजा से फेंकवाने वाला हूँ बॉल, क्योंकि इससे पहले मैंने जसप्रीत बुमराह से फेंकवाई थी जो कि एक फास्ट बॉलर था, बट भाई रविंद्र जडेजा यहाँ पे स्पिनर है, तो मुझे लग रहा है स्पिनर भी काम कर सकता है। मैं यहाँ पे इसके पैड और बैट के बीच में बॉल फेंकने वाला हूँ, शायद यहाँ पे अपना कोई विकेट निकल जाए, काफ़ी धीरे से मैं बॉल फेंकूंगा, शायद निकल जाए कोई विकेट, और गया भाई इस बार तो पक्का आउट है। एम्पायर हेलो, इस बार तो दे दे, ओके 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 दे दिया इसने यहाँ पे आउट। देखो मुझे पता था ना भाई, मैंने बिल्कुल बीच में फेंकी थी, आपको पहले मैंने फेंकने से पहले बता दिया था कि मैं बैट और पैड के बीच में फेंकने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल राइट टाइम पे गई थी, तो अब तो इसका काम तमाम हो जाएगा। देखो भाई तुम आउट हो, चले जाओ यहाँ पे, रिव्यू वगैरह मत लो। तो भाई ये यहाँ पे मतलब डिस्कशन कर रहे थे, बट इन्होंने भाई फाइनली इसी डिसीजन पे पहुंचे कि हमको रिव्यू नहीं लेना चाहिए, हम आउट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट कौन सा वाला बैट्समैन आने वाला है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आ चुका है हफीज़, अब देखते हैं कि ये क्या कर पाएगा यहाँ पे, इसको मैं उड़ा ही दूंगा। वैसे मैं फिर से वही वाली स्ट्रेटेजी ट्राई करने वाला हूँ, देखो, बट इस बार थोड़ी सी मेरे बॉल यार चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे स्टंप पे नहीं जा रही है, बैट पे जा रही है, शायद इस पे शॉट ना लग जाए।
मुझे लगा ही था भाई ये शॉट मारेगा, थोड़ी सी बल्ले पे बॉल थी, अच्छा हुआ चौका नहीं गया, एक रन से खींचा गया, एक रन चलेगा बट भाई चौका नहीं जाना चाहिए था यहाँ पे। तो अभी इनके यहाँ पे 2 बॉल पे 12 रन हो चुके हैं, अभी 4 बॉल और बची है, 4 बॉल पे इनको 8 रन चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि 1 बॉल पे 2 रन भी बनाएंगे तो इनका काम हो जाएगा, या 2 चौके से भी काम हो सकता है, क्योंकि यार मेरे रन काफ़ी ज़्यादा कम से सिर्फ 20 रन। ओ भाई इसने फिर से यहाँ पे घुमा दिया, ये चौका जाएगा पक्का। अब यार हम करें क्या, इन्होंने यहाँ पे एक चौका मार दिया, मैंने काफ़ी तक कोशिश करी थी, मुझे लग रहा था कि इस पर जा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी बल्ले से मतलब आप बोल सकते हो बल्ले और पैड के बीच में बॉल नहीं थी, थोड़ी सी बल्ले पे जा रही थी बॉल, और इसने भाई घुमा दिया एकदम, इसने यहाँ पे 4 रन के लिए मार दिया है। अब क्या करें यार, मैं सोच रहा हूँ बॉलिंग करूँ तो करूँ क्या, कैसे बचे अपन इससे, तो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ही पैड पे फेंकता हूँ तो शायद काम बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे दबाते हैं। चलो अभी बिल्कुल मैं राइट तरीके से बॉल फेंक रहा हूँ, काम बन जाना चाहिए यार मेरा इस बार। यहाँ पे इनके 16 रन हो चुके, अरे यार इसे साइड हो चुके, इसने यहाँ पे घुमा दिया, 1 रन के लिए आएगा ये, सिर्फ 17 रन हो चुके हैं। और भाई कहाँ फेंक दी तूने, जैसे ही चौका फेंक देगा क्या, फेंक के चौका बनवा देगा भाई ये तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 बॉल और बची है, तो अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसको 3 बॉल पे 3 रन चाहिए, नहीं 2 बॉल पे 3 रन चाहिए, यहाँ पे 4 बॉल हो चुकी है, तो 2 बॉल पे 3 रन मुझे नहीं बनने देना, अगर एक भी बाउंड्री जाती है ना तो समझ लो मेरा काम तमाम हो जाएगा, मैं यहाँ पे मैच हार जाऊँगा, और मुझे कुछ भी करके भाई पाकिस्तान से तो मैच नहीं हारना है, दूसरी टीम से हार जाए तो चलेगा बट भाई पाकिस्तान से नहीं। तो इसने यहाँ पे घुमा तो दिया और कैच पकड़ लिया भाई अपने फील्डर ने, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से खड़ा था, और देखो ये बात होती है ना भाई, ये बात होती है 5वीं बॉल पे ऐसे ही तो मतलब सीन चेंज होता है भाई, उसको एक बाउंड्री चाहिए यहाँ पे। एम हफीज़ का भी काम तमाम हो चुका है, आपको मैं रिप्ले ज़रूर से दिखाऊंगा यार, मुझे मतलब आप समझ लो सांस में सांस अटक गई थी मेरी, कुछ भी करके भाई नहीं जाना चाहिए, पकड़ लेगा देखो कैसे, ये है ना भाई ऐसे ही तो फील्डर की ज़रूरत है इंडिया टीम में काफ़ी। इसमें यार मुझे फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है यार, कैसे ये कैच पकड़ लेते हैं यहाँ पे बारी है फाइनल बॉल की। अब भाई मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, एक बाउंड्री चाहिए बस इसको, कुछ भी करके मुझे रोकना पड़ेगा भाई, मैंने थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो कि वाइड के एंगल पे फेंकी है फाइनल, और इसने भाई काफ़ी ज़्यादा जोर से घुमा दिया यार, और भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यार अपने एक फील्डर ने कैच पकड़ लिया और 3 रनों से पाकिस्तान से जीत चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था यार, मतलब आप बोल सकते हो कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं हार जाता ना काफ़ी ज़्यादा खराब लगता मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी कि यार अपन जीतेंगे या हारेंगे, बट यहाँ पे मैन ऑफ द मैच है रविंद्र जडेजा, और भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, बॉलिंग एक नंबर की करी बंदे ने, तो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच तो आना ही था रविंद्र जडेजा को। तो ये कुछ था मैच का सीन, मैंने यहाँ पे 20 रन बनाए थे, पाकिस्तान को चाहिए थे 21 जो कि वो नहीं बना पाए और वो अपने से यहाँ पे मैच को हार चुके हैं। तो चलो फिर आज की वीडियो को ये पे कर देते हैं, आपको बताने का आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो में मजा वीडियो कर दो लाइक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और मैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।